खेलों के महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक्स जो कि इस बार पेरिस में खेले जाने हैं, अब उनकी शुरुआत होने में कुछ ही घंटे बचे हैं और खासकर अगर वक्त देखा जाए तो अब से कुछ ही घंटों में ओपनिंग सेरेमनी होगी और उसके बाद अगले दिन से इवेंट्स शुरू हो जाएंगे, जिसमें हमने देखा कि कुछ इवेंट्स जो हैं पहले खेले जा चुके हैं लेकिन अब जो हैं वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स अगले दिन से शुरू होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने निकल कर आई। दरअसल पेरिस ओलंपिक्स उद्घाटन से पहले फ्रांस की हाई स्पीड ट्रेनों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबर है, जिससे 800,000 लोग प्रभावित हुए हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको बताएं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसमें ओलंपिक्स शुरू होने वाले हैं, उससे पहले ही कई चोरी और खिलाड़ियों के साथ लूटपाट की खबरें सामने आ चुकी हैं। हमने देखा अर्जेंटीना के टीम के जो खिलाड़ी थे उनके यहाँ लूटपाट हुई, उसके बाद एक साइकिलिंग टीम के खिलाड़ी की लूटपाट हुई, उसके बाद अब ये तीसरी घटना है जो कि सामने निकल कर आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस घटना है। दरअसल पेरिस ओलंपिक्स शुरू होने से पहले कुछ देर पहले ही हाई स्पीड रेल नेटवर्क के में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें हैं और ऐसे में रेल सेवा जो है पूरी तरीके से उस पर असर पड़ा है। फ्रांसीसी रेल कंपनी ने बयान दिया है कि कई रेल लाइनों को निशाना बनाकर किए गए दुर्भाग्यपूर्ण हमलों की वजह से ओलंपिक से पहले पेरिस में ट्रेन परिचालन पूरी तरह बाधित हुआ है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खराब ये घटना हुई है, काफ़ी बुरी घटना ये हुई है। और देखा जाए तो पेरिस को जो देश के पश्चिम, उत्तर और पूर्व से जोड़ने वाली रेल लाइनें होती हैं उस पर निशाना बनाया गया, और वो भी उस वक्त जब पेरिस ओलंपिक्स जस्ट कुछ ही घंटों में शुरू भी होने वाला है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो हालांकि कुछ अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है कि ज़्यादा सिचुएशन इतनी टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ओलंपिक इतने बड़े महाकुंभ माना जाता है, 10,000-11,000 एथलीट्स उसमें हैं और कई देश उसमें खेलते हुए दिखते हैं और पहले भी हमने देखा है ओलंपिक्स में हमले हुए हैं, तो ऐसे में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी और अब देखना होगा किस तरीके से आगे सब चीज़ें चलती हैं, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों में ओपनिंग सेरेमनी होगी और क्या उस पर भी प्रभाव पड़ेगा देखना होगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।